ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली लेके आ चुका हूँ राजवीर देवल के बॉलीवुड डेब्यू फिल्म दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शनों के बारे में। तो दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में बात करूँगा सनी देवल के छोटे बेटे राजवीर देवल अपनी फिल्म दोनों जो कि 29वां दिन कंप्लीट हो चुकी है, 29वां दिन कितनी कमाई की है पूरे भारत से, उसी के बारे में विशेष चर्चा करूंगा। तो दोस्तों सनी प्याजी की बेटे की फिल्म और पूनम ढिल्लों के बेटी पल्लमान ढिल्लों का बॉलीवुड डेब्यू होता है 5 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर को दोनों इंडस्ट्री में आते हैं और 29वां दिन तबाही कर देती है उनकी फिल्म। यानी कि दोस्तों फिल्म का बजट क्या है उसी के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस को बिल्कुल फाड़ दिया है राजवीर देवल। जी हाँ दोस्तों, राजवीर देवल ने तबाही कर दिया है अपने 29वां दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। बात करूं तो दोस्तों अपने 29वां दिन बॉक्स ऑफिस पर 4 लाख रुपए का शानदार बिजनेस करता है। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख रुपए का शानदार बिजनेस करता है राजवीर देवल अपनी फिल्म दोनों को लेकर, और ये कमाई करता है दोस्तों हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेजों में। यानी कि दोस्तों पूरे भारत में मिलाकर 4 लाख रुपए का शानदार बिजनेस कर लेता है राजवीर देवल। किसी को नहीं छोड़ता, सबको पेल के रख देता है राजवीर देवल की फिल्म दोनों। तो दोस्तों ये थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रिडिक्शन वीडियो, नहीं ये रियल प्रोडक्शन वीडियो था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये कलेक्शन 29वां दिन का, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समोसा क्रिटिक्स पे सदा बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अब दे भाई को इजाजत, क्योंकि भाई मिल रहा है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।